उर्मी की छोटी बच्ची ने किया बड़ा धमाल, अंतर्राष्ट्रीय मॉडलिंग प्रतियोगिता में हासिल किया मुकाम। सुष्मिता सेन के साथ बना फोटोशूट और एल्बम। Headline is brought to you by Ashoka Public School, Sarangarh, Raigarh. आप सभी का आप देख रहे हैं आईबीसी 24, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ के लोरमी की छोटी सी बच्ची ने मॉडलिंग की दुनिया में बड़ा धमाल किया है। नाम है कुमारी प्लक्षा सिंह। इस छोटी सी लड़की ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुंबई में आयोजित शो ऑफ मिनी मॉडल प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। वो शो ऑफ क्लिक्स कंपनी की ओर से आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में अक्टूबर 2016 को पहले चरण की वोटिंग में प्लक्षा ने अपने आयु वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। आपको बता दें कि इसके बाद इस साल जनवरी में हुई प्रतियोगिता में उसे तीसरा स्थान हासिल हुआ। प्रतियोगिता के ज्यूरी मेंबर पूर्व मिस यूनिवर्स मिस इंडिया शिवानी और अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी मेंबर जॉन क्रॉस थे। प्लक्षा के प्रतियोगिता जीतने के बाद मशहूर फोटोग्राफर विक्रम सिंघवा ने प्लक्षा का फोटोशूट भी किया। आपको बता दें कि विक्रम सिंघवा अमिताभ बच्चन और आलिया भट्ट जैसे कलाकारों का फोटोशूट करते हैं। महबूब स्टूडियो में सुष्मिता सेन के साथ प्लक्षा का फोटोशूट हुआ और म्यूजिक एल्बम में भी दोनों ने साथ काम किया। तो चलिए लोरमी की छोटी सी मॉडल कुमारी प्लक्षा से आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उनके पिता भी हमारे साथ संजय सिंह बने हुए। प्लक्षा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। कैसी हैं आप? अच्छा, आपका नाम बताइए आपका नाम बताइए हमारे दर्शकों को, क्या नाम है आपका? प्लक्षा सिंह। अच्छा, तो आपने मुंबई में जाके फोटो शूट करवाया, किसके साथ प्लक्षा? कौन कौन था आपके साथ में बताइए जरा, बताइए कौन कौन था? बोलो बेटा। सुष्मिता सेन। अच्छा, कैसी लगी सुष्मिता सेन आपको? अच्छी लगी? हाँ। उनके पिता भी हमारे साथ में बने हुए हैं, संजय सिंह बने हुए हैं हमारे साथ में। संजय जी, ये जानना चाहेंगे क्योंकि प्रक्षा भी बहुत छोटी है, बहुत ज्यादा जवाब वो नहीं दे पाएगी, इसलिए हम उसके बारे में जानकारी हम आपसे लें। किस तरीके की ये प्रतियोगिता थी और इसका जो चयन प्रक्रिया थी पूरी, वो किस तरीके से हुई और कैसे आप लोगों ने तैयारी करवाई इसकी? देखिए, इस कंपनी में पूरे साल भर प्रतियोगिता होती है, जिसमें कि पहले चरण में महीने में ये हर महीने जो है ये प्रतियोगिता होती है। लगभग हजारों बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जब पहले चरण में बच्चा सेलेक्ट हो जाता है उसके बाद में दूसरे राउंड में बच्चा जाता है, और सारे बच्चों का जो है लास्ट में दिसंबर में सेकेंड राउंड का फिर ये प्रतियोगिता होता है, जिसमें जो बच्चा सेलेक्ट होता है उसे फिर कॉल किया जाता है मुंबई के लिए। अच्छा, इसके लिए आप लोगों ने कैसे जानकारी ली, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी अभी नहीं है, तो अगर उन्हें भी अपने बच्चों को लेकर इस तरीके से मॉडलिंग के लिए आगे जाना है या इसमें शामिल होना है, तो जानकारी कहाँ से मिले और कैसे इसमें वो आगे बढ़े, थोड़ी सी प्रक्रिया भी आप बताएं। मैडम, मुझे लगता है कि ऐसे तमाम बहुत सारे हमारे यहाँ प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, छोटी बड़ी होती रहती हैं। बात ये रहता है कि हम कितने सिंसियर हैं किसी चीज को, किसी चीज के लिए। अगर ऐसा कुछ प्रतियोगिता या किसी प्रकार की प्रतियोगिता हमें दिखता है, तो हमें अगर हम उस चीज को सिंसियरली अगर फॉलो करते हैं, उसमें सिंसियरली अगर भिड़ जाते हैं, तो वो चीजें जो है बड़ी बनती हैं। ये बहुत छोटी सी प्रतियोगिता है, मगर आज की डेट में लोरमी जैसे क्षेत्र में अगर एक बच्ची बाहर निकल के आई है तो वही प्रतियोगिता बड़ी हो गई है। बचपन से इस बच्चे के लिए मुझे सभी मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सभी कहते थे बहुत प्यारी बच्ची है, कुछ करना चाहिए, बट क्या करें, कुछ ऐसा समझ में नहीं आता था। मैंने भी एक बच्चे को उसमें दिया, देखा था और उसको वोट किया था। मुझे लगा कि मेरी बेटी के लिए शायद अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैंने भी उस चीज में अप्लाई किया और आज की डेट में आप। अच्छा, क्योंकि एक अहम बात आपने की, क्योंकि हमारे बच्चे खूबसूरत हैं, हमारे बच्चों में टैलेंट है, लेकिन बच्चों की उम्र बहुत छोटी होती है, तो उन्हें तो डिसीजन लेना उस समय पर मुश्किल होता है। ऐसे में माता पिता की जो जागरूकता है, अगर उनको लग रहा है कि उनकी बच्ची में ये क्वालिटी हो सकती है या है, देख रहे हैं वो, तो उनके लिए ऐसे माता पिता की तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि वो समय पर ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म देने की तैयारी वो करें। देखिए, आप बहुत सही बोल रही हैं। जैसे मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, लोरमी एक बहुत छोटी एरिया है। मैं एक स्कूल का संचालक भी हूँ, डीएसी स्कूल हमारी है।
इसमें होता ये है मैडम कि मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है, मतलब सिर्फ बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र में ना जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स हमेशा ये सोचते हैं कि बच्चा जो है वो पढ़ाई करे, मगर उसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमें दिखती हैं, मिलती हैं, जिसे इनकेश करना चाहिए। जैसे कि डांस के फील्ड में बच्चा जा सकता है या फिर सिंगिंग के फील्ड में जा सकता है, ऐसे तमाम फील्ड्स हैं और बच्चे में टैलेंट जरूर रहता है। उस टैलेंट को देखें, उस टैलेंट को पहचाने और उस टैलेंट के हिसाब से बच्चे को आगे जब कभी भी मौका मिले, जहां कहीं भी एक छोटा सा स्टेज मिले, वहां भी हमें उस बच्चे को भेजना चाहिए। हो सकता है वहां से उस बच्चे की जो है शुरुआत अच्छी हो। अच्छा, जैसे अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में ऊपर से लोर में और एक छोटी सी जगह हो जाती है, ऐसे में बच्चों में प्रतिभा की कहीं कमी नहीं होती है, लेकिन कई बार ये होता है कि छोटी जगह से हैं, उन्हें मौका नहीं पता चल पाता, इस वजह से चूक जाते हैं। आपके जरिए एक प्रेरणा जाती है कि दूसरे जो ऐसे इलाके हैं जिनके बच्चों में टैलेंट है, वो भी एक रास्ता बच सकता है। आपको लगता है कि एक आदर्श लेकर भी दूसरे जो है वो प्रेरित हो सकते हैं माता पिता? बिल्कुल होना ही चाहिए। मतलब मैं यही बार बार आपसे बोलना चाह रहा हूँ, कोई भी चीज ना छोटी होती है ना बड़ी होती है, करने का तरीका बड़ा होता है। उसको उस ढंग से अगर किया जाए तो बहुत ही बेहतर उसका भविष्य हो सकता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। बहुत छोटी है प्लाक्षा अभी, क्योंकि नाम जब इसका हमने पूछा था कि क्या नाम का अर्थ होता है इसकी मम्मी से, संजय जी, तो उन्होंने बताया कि सरस्वती का ही नाम पर्यायवाची, बहुत सुंदर नाम है। इसकी कोई खूबी बचपन से आपने देख रहे हैं कि 5 साल अभी इसकी उम्र है, क्या बहुत अच्छा लगता था आपको इसमें कि आपको लगा कि हाँ मेरी बेटी जो है वो मॉडलिंग कर सकती है या ये फील्ड उसके लिए अच्छी? मैडम, हमने कभी मॉडलिंग के लिए तो नहीं सोचा था, अगर मैं आपको क्लियर बताऊं, बट मुझे ये जरूर लगता है कि ये बहुत अच्छा स्वर में गाना गाती है। अच्छा, मुझे ऐसा महसूस होता है। दूसरी चीज, कभी स्कूल में या कभी स्टेज में जाके डांस करना हो तो ये उसमें हमेशा सामने रहती है और सभी उस चीज को कहते भी हैं कि बहुत शानदार डांस की। आप आपसे संजय जी मैं बोलूंगी कि थोड़ा बोलिए प्लक्षा को, क्योंकि वो थोड़ी सी कॉन्शियस भी है, क्या पता वो गा के सुनाए कुछ। प्लक्षा, एक गाना सुना दो बेटा। आप कौन सा गाना बोल रही थी गाने के लिए? आप बोल रही थी ना, अच्छा काला चश्मा वाला आप बोल रही थी ना गाने के लिए? हाँ, वो वाला सुना। अच्छा, गा के सुना दो, देखो अभी खड़े हैं ना उस चले के। चलो, यस, 1 2 3 स्टार्ट करो बाबू, गाना गाओ। हाँ, अच्छे से चलो। जैसे कि बच्चों की उम्र छोटी होती है संजय जी, और स्टूडियो में है तो जाहिर सी बातें कॉन्शियस हो जाते हैं बच्चे। ऐसे में जब आप लोगों का मुंबई पहुंचना हुआ तो किस तरीके की प्रतिक्रिया थी, क्योंकि बॉलीवुड है वो सपनों की नगरी है, वहां पर जब आप लोग पहुंचे तो कैसा रिस्पॉन्स रहा, कैसा आप लोगों को लगा? बेटा गाना गाओगी क्या? हाँ, गा सुनाओ, अच्छा सुना दो, है ना। यहाँ देखो, वहाँ देखो, साथी खड़ी पल जीना जी एरी आरे पिया बिना, साथी एरी आरे पिया बिना, कल ना कलत साथी खड़ी पल जीना जी, साखी एरी आरे पिया बिना। बहुत सुंदर। अच्छा, कोई नया गाना याद है क्या अभी को? हाँ, बहुत जो लेटेस्ट है वो बहुत याद है, कुछ अच्छा लगता है अभी तुम बोल रहे हो काला चश्मा के लिए? चलो उसको सुना दो। तो काला चश्मा तो बड़ा अच्छा गाना है, सुनाओ जरा गा के। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। तो संजय जी मैं पूछ रही थी कि मुंबई जब आप लोग पहुंचे तो वहाँ रिस्पॉन्स कैसा था बच्ची को देखने के बाद में, क्योंकि फोटोशूट में पहला जब स्थान था उसका, उसके बाद तीसरा स्थान हुआ, कैसा रिस्पॉन्स रहा? मैडम, हमारे लिए तो मुंबई, हम पहली बार गए थे, देख के वास्तव में लगा कि हाँ माया नगरी है ये। वहाँ पहुँचे, कुछ और बच्चे वहाँ पे आए हुए थे, सेलेक्टेड बच्चे, उन बीच में हमने जो देखा कि हमारा रहन सहन जो है वो थोड़ा सा क्षेत्र के कारण कुछ ऐसा है। हाँ। मतलब वो लोग हमसे थोड़ा सा ज्यादा फ्रैंक एडवांस नजर आए, बच्चे थोड़ा सा हमसे ज्यादा फ्रैंक नजर आए, और मगर ये है कि स्टेज में आने के बाद वहाँ पे शूटिंग जब हो रही थी वहाँ पे प्लक्षा को देख के मतलब सभी ने ताली बजाई, और स्पेशली सुष्मिता सेन मिली
तो उन्होंने ये कहा कि आपकी बिटिया बहुत प्यारी है, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल प्यारी तो है संजय जी, देख पा रहे हैं लक्षा बहुत प्यारी है और बच्चे वैसे भी बहुत प्यारे होते हैं, सही समय पर अगर उनको मार्गदर्शन मिल जाता है तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। एक जो चीज आपने कही कि जब हम बड़ी सिटी में जाते हैं, मेट्रो सिटी में, चूंकि बॉलीवुड माया नगरी है, फैशन के लिए जानी जाती है, ऐसे में जब इस लाइन में अगर आपको अपने बच्चों को डालना है या अपने युवाओं को डालना है, तो आपको लगता है कि उसके लिए, उनकी तैयारी के लिए भी एक प्लेटफॉर्म जो है वो बॉलीवुड अच्छा प्रोवाइड करता है, या वहां रहकर अगर तैयारी जाए तो हो सकता है कंपटीशन में और अच्छा परफॉर्म? देखिए, इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर हम जहाँ रह रहे हैं उस माहौल में अगर रहें तो वो जो कंफर्ट फील एक होती है वो हमें यहाँ कभी नहीं हो पाएगी। मगर मुझे फिर भी लगता है मैडम कि इस कारण से कभी कोई प्रतिभा रुकती नहीं, दबती नहीं, वो अपनी एक रास्ता ढूंढ ही लेती है, हमारे एक शुरुआत की बस जरूरत होती है। शुरुआत तो आपने कर दी संजय, सोचा है आपने कि अपलक्षा के लिए कैसे मार्गदर्शन करेंगे, क्या उसके लिए आगे कुछ करेंगे, कुछ प्लानिंग? प्लानिंग मैडम ऐसा कुछ खास तो नहीं है, मगर मेरे पास में जो भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है, वैसे कि कंपनी ने मुझे कहा है कि इसका पोर्टफोलियो बनने के बाद डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज को वो लोग भेजेंगे, जहां से मुझे कॉल आएगा, मैं अपने तरफ से भी प्रयासरत रहूंगा। और मैं तो आपको ये भी प्रॉमिस करता हूँ, मेरी बिटिया है, लड़कों और लड़कियों में ऐसा कुछ फर्क नजर बिल्कुल नहीं करता हूँ। यदि मुझे कहीं बाहर भी रहना पड़ा इसके लिए, यदि इस चीज की आवश्यकता रही, उस चीज को भी, बिल्कुल उस चीज के लिए भी मैं रेडी। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है। और माता पिता जब अपने बच्चों के ऐसे साथ में खड़े होते हैं तो आगे चल के बच्चियां जो है वो नाम करती हैं, एक अच्छे भविष्य के लिए हम शुभकामना देते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत थैंक यू लक्षा। तो ये देखा आपने कि छोटी सी जगह में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं होती है, अगर बच्चों में प्रतिभा है तो माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएं, क्योंकि उम्र बहुत छोटी होती है, उस समय पर उन्हें मार्गदर्शन की भी जरूरत होती है। और इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।